वेलकम बैक गाइस। आज हम इस वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं डेक्सटोरेन सिरप को और साथ में जिंकोविट सिरप को, और ये वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग जरूर होने वाली है क्योंकि आपको इन दोनों की जो ये दोनों सिरप्स हैं इनको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में इनके बारे में फुल्ली डिटेल में बात करेंगे, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। मेरे हाथ में है जिंकोविट और डेक्सटोरेन सिरप और करते हैं अब इन दोनों को कंपेयर। तो पहले बात कर लेते हैं इन दोनों की ब्रांड वैल्यू की। तो गाइस, जो जिंकोविट सिरप है इसे एपेक्स कंपनी बनाती है और यह कंपनी सन 1978 से है हेल्थ इंडस्ट्री में। वहीं डेक्सटोरेन्स को फ्रेंको इंडियन कंपनी बनाती है और यह कंपनी सन 1948 से है हेल्थ इंडस्ट्री में। 118 प्राइस रेट है जिंकोविट सिरप का। वहीं डेक्सटोरेन्स की बात करें तो ये आपको 120 रुपए की मिलती है प्राइस रेट। गाइस, दोनों का सेम ही है लगभग। और वहीं इंग्रेडिएंट की बात करें तो जिंकोविट में आपको एनर्जी और कार्बोहाइड्रेट्स के साथ 9 तरह के विटामिन, 1 अमीनो एसिड, लाइसिन और 4 ज़रूरी मिनरल्स जो हैं आयोडीन, सिलेनियम, कॉपर और जिंक मिलता है। वहीं डेक्सटोरेन्स के अंदर आपको फेरिक अमोनियम साइट्रेट जो एक प्रकार का आयरन होता है, साइनोकोबालामिन जो विटामिन B12, फोलिक एसिड जो विटामिन B9 होता है और साथ में गाइस इसमें अल्कोहल मिली होती है। डेक्सटोरेन्स का यूज़ खून की कमी को दूर करने के लिए, आयरन की कमी और विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए होता है। वहीं जिंकोविट का यूज़ कमजोरी में, थकान, खून की कमी, कील मुहासों में भूख ना लगना, त्वचा की बीमारियों में, विटामिन B12 की कमी में, बालों की समस्या में, माइग्रेन अटैक में, गठिया में, वायरल इन्फेक्शन, विटामिन डी की कमी में और मानसिक बीमारियों में। और गाइस, इसका यूज़ दिल की बीमारियों में भी होता है। डेक्सटोरेन्स को ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी में यूज़ करते हैं खून की कमी को दूर करने के लिए 1 से 6 महीने के बीच में। लेकिन गाइस, जो जिंकोविट है इसे प्रेगनेंसी के टाइम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए होता है। तो चलिए गाइस, अब इसे खोल के देखते हैं। तो जो डेक्सटोरेन सिरप है कुछ आपको इस प्रकार मिलती है देखने में, और जो जिंकोविट सिरप है वो आपको कुछ इस प्रकार मिलेगी। ये दोनों की दोनों ग्लास की बोतल हैं और दोनों 200 ml की हैं। एक और इन दोनों में अलग बात है कि गाइस, जो जिंकोविट है ये पूरी तरह से वेजिटेरियन है जबकि डेक्सटोरेन्स के अंदर अल्कोहल मिला हुआ है। और गाइस, ये दोनों की दोनों जो सिरप हैं ये मोटा होने के लिए यूज़ नहीं होती क्योंकि इन दोनों के अंदर प्रोटीन और फैट नहीं है, तो ये आपको मोटा नहीं करेंगी। आप वो सप्लीमेंट लें जिसके अंदर प्रोटीन हो और फैट हो। ओके गाइस, तो आज की हमारी जो वीडियो थी वो थी जिंकोविट और डेक्सटोरेन्स के कंपैरिजन के ऊपर। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं आपसे अगली वीडियो में फटाफट मिलूंगा, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।